हमास संघर्ष में नया मोड़, सांप्रदायिक हिंसा से सुलगा बहराइच, कैसे थमेगा भारत कनाडा विवाद। नमस्कार, मैं हूँ रूपाली बर्वे और आप देख रहे हैं वेब दुनिया की खास पेशकश WD नाउ, जिसमें बात करेंगे सप्ताह भर की सुर्खियों के एक अलग अंदाज में। इसराइल और हमास के बीच लंबे समय से चल रहे संघर्ष में हाल ही में एक बड़ा मोड़ तब आया जब इसराइल की सेना ने हमास के मुखिया याहा सिनवार को मार गिराया। सिनवार को हमास के सबसे प्रमुख नेताओं में से एक माना जाता है और उसे इसराइल पर 7 अक्टूबर 2023 के हमास हमले का मास्टरमाइंड कहा जाता है। इस हमले में करीब 1200 इसराइली नागरिक मारे गए और 251 लोगों का अपहरण कर लिया गया। सिनवार की सैन्य रणनीति और ईरान से करीबी संबंधों ने हमास को इसराइल के खिलाफ मजबूती से खड़ा किया और गाजा में संगठन की पकड़ को मजबूत किया। याहा सिनवार की मौत के बाद यह सवाल उठता है कि क्या इसके बाद इसराइल हमास संघर्ष का अंत हो सकता है। विश्लेषकों का मानना है कि सिनवार की मौत हमास के लिए एक बड़ा झटका है, क्योंकि वह संगठन में सबसे महत्वपूर्ण नेताओं में से एक था। हालांकि इसका यह मतलब नहीं कि युद्ध का अंत हो जाएगा। इस बीच हमास ने खलील अल हैया को अपना नया मुखिया चुन लिया है। खास बात यह है कि हैया की गिनती हमास के तुलनात्मक रूप से नरम नेताओं में होती है। खलील इसी साल अप्रैल में इसराइल के साथ युद्ध विराम की इच्छा व्यक्त कर चुके हैं। वहीं इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने भी कहा है कि यदि हमास हथियार डाल देता है और बंधकों को छोड़ देता है तो तत्काल संघर्ष विराम हो सकता है। इसमें कोई संदेह नहीं कि पहले हनीयेह और फिर याहा सिनवार की मौत हमास के लिए किसी बड़े सदमे से कम नहीं है। ऐसी स्थिति में हमास पर शांति वार्ता या युद्ध विराम के लिए दबाव बढ़ सकता है। हाल ही में अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकिन ने कहा था कि गाजा में युद्ध विराम समझौता लगभग 90% तक तैयार हो चुका है। सिनवार की मौत इस समझौते को अंतिम रूप देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। भले ही हैया नरम रुख के लिए जाना जाता है, लेकिन उसके बयान से लगता है कि हमास एकदम झुकने वाला नहीं है। हैया ने कहा कि अगर एक स्वतंत्र फिलिस्तीनी राज्य की स्थापना होती है तो हमास हथियार डाल देगा और वह एक राजनीतिक पार्टी में बदल जाएगा। हालांकि हैया ने कहा है कि इजरायली बंधकों को तब तक रिहा नहीं किया जाएगा जब तक फिलिस्तीन पर हमले बंद नहीं हो जाते और इजरायली सेना वापस नहीं लौट जाती। इजरायल हमास के बीच शांति कायम होती है या नहीं, यह तो भविष्य बताएगा। लेकिन हैया और नेतन्याहू के बयानों से शांति की उम्मीद तो बनती है। यदि इन दोनों पक्षों के बीच शांति कायम होती है तो न सिर्फ इनके बल्कि पूरी दुनिया के हित में होगी। उत्तर प्रदेश एक बार फिर उस समय सुलग गया जब बहराइच जिले के महसी तहसील में दुर्गा प्रतिमा विसर्जन जुलूस के दौरान मंसूर गांव के राम गोपाल मिश्रा की गोली मारकर हत्या कर दी गई। इस हत्या के बाद दो समुदाय आमने सामने हो गए। रविवार यानी कि 13 अक्टूबर की हिंसा के बाद अगले दिन लोग लाठियां और लोहे की छड़े लेकर सड़कों पर उतर आए। दुकानों और वाहनों में आग लगा दी गई। सोमवार सुबह जब राम गोपाल का शव रेहुआ मंसूर गांव पहुंचा तो वहां हजारों की भीड़ एकत्र हो गई थी। लोग शव लेकर महसी तहसील पहुंचे और तहसील के सामने सड़क पर शव रखकर जाम लगा दिया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में खुलासा हुआ कि राम गोपाल को बड़ी ही बेरहमी से मारा गया था। मिश्रा के शरीर पर 25 से 30 छर्रे लगे थे और उसके शरीर पर चोट के भी निशान पाए गए थे। बताया जाता है कि मिश्रा के नाखून निकाल लिए गए थे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी पीड़ित परिवार से मुलाकात की। तनाव के बीच पुलिस ने नेपाल सीमा के निकट इस मामले से जुड़े 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया। इनमें से 2 पुलिस एनकाउंटर में घायल हो गए। इस एनकाउंटर पर भी विपक्षी दलों ने सवाल उठाए। पुलिस ने 18 अक्टूबर की हिंसा से जुड़े मामले में 26 और आरोपियों को गिरफ्तार किया है। अब तक दोनों समुदायों के कुल 87 लोग गिरफ्तार हो गए हैं। शुक्रवार को जिले की सभी मस्जिदों में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच जुमे की नमाज शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुई। सोशल मीडिया पर वायरल एक वीडियो संदेश में मृतक राम गोपाल की पत्नी रोली मिश्रा ने कहा है कि हम न्याय की मांग कर रहे हैं, प्रशासन हमें न्याय नहीं दिला पा रहा है। रोली ने आरोपियों की मौत की सजा देने की मांग की है। हालांकि प्रशासन ने राम गोपाल मिश्रा के परिवार को घर बनाने के लिए पैसा, बहू को नौकरी, नगद धनराशि, आयुष्मान कार्ड देने का वादा किया है। हिंसा की इस घटना पर सवाल उठाते हुए सपा नेता अखिलेश यादव ने बहराइच में पिछले दिनों हुई सांप्रदायिक हिंसा को जानबूझकर कराई गई घटना करार दिया है। उन्होंने कहा कि राज्य की भाजपा सरकार डिवाइड एंड रूल की नीति पर काम कर रही है। उन्होंने कहा कि सरकार को बताना चाहिए कि आखिर यह घटना क्यों हुई। उन्होंने कहा कि जुलूस के दौरान पुलिस की व्यवस्था क्यों नहीं की गई। इस बात को लेकर कोई संदेह नहीं कि इस पूरी घटना के लिए पुलिस की लापरवाही काफी हद तक जिम्मेदार है। यदि जुलूस के समय पर्याप्त पुलिस लगाई गई होती तो शायद यह घटना घटती नहीं और उत्तर प्रदेश पर हिंसा का यह दाग भी नहीं लगता। भारत और कनाडा के बीच तनातनी में कुछ वक्त के लिए स्थिरता थी, लेकिन एक बार फिर से दोनों के बीच गर्मागर्मी बढ़ गई है। दरअसल कनाडा में खलिस्तानी आतंकवादी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या में भारतीय राजनयिकों का हाथ होने का आरोप लगाया है। इस घटना के बाद भारत भी आग बबूला हो गया है। दोनों ही देशों ने एक दूसरे के राजनयिकों को देश छोड़ने का हुक्म सुना दिया। इस तनातनी से कनाडा में रहने वाले भारतीयों समेत हजारों स्टूडेंट्स पर असर होने के साथ ही दोनों देशों के बीच करीब 70,000 करोड़ का कारोबार प्रभावित होने की आशंका जताई जा रही है। अब ऐसे में सवाल उठता है कि दोनों देशों के बीच इस खटास का असर कहां और कितना होगा।
यदि व्यापारिक रिश्तों की बात करें तो साल 2022 में भारत कनाडा का 10वां बड़ा व्यापारिक भागीदार था। दोनों देशों के बीच वस्तुओं का द्विपक्षीय व्यापार 10.50 बिलियन अमेरिकी डॉलर था। सर्विस सेक्टर जैसे कि वित्त, आईटी आदि में द्विपक्षीय व्यापार का मूल्य 8.74 बिलियन यूएस डॉलर था। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक 600 से ज्यादा कनाडाई कंपनियों और संगठन भारत में कार्यरत है। भारत की बात करें तो भारत के 2,30,000 छात्र कनाडा में पढ़ रहे हैं। विदेशी छात्रों के लिए कनाडा सबसे बड़ा एजुकेशन हब है। यदि तनाव बढ़ता है तो कनाडा में पढ़ने की योजना बना रहे हजारों छात्रों को वीजा मिलने की मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। यह भी हो सकता है कि इस पूरे घटनाक्रम में कनाडा भारतीय छात्रों के लिए वीजा देने में सख्ती करे। हालांकि इस पूरी घटना का ज्यादा असर या नुकसान कनाडा को ज्यादा होना है। कनाडा की कार्लटन विश्वविद्यालय में राजनीतिक विश्लेषक और प्रोफेसर स्टेफनी कार्विन के मुताबिक कनाडा के भारत पर लगाए गए नए आरोप बेहद गंभीर हैं। इस पूरे विवाद की जड़ कनाडा में 2025 में होने वाले चुनाव है। दरअसल प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो की लोकप्रियता लगातार घट रही है। ऐसे में वे सिख समुदाय से किसी भी तरह की नाराजगी मोल लेना नहीं चाहते। हालांकि ट्रूडो इस मामले में अपने ही देश में ही घिरते दिखाई दे रहे हैं। कनाडा पीपल्स पार्टी ऑफ कनाडा के नेता मैक्सिम बर्नियर ने प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो पर अन्य विवादों से ध्यान भटकाने के लिए खलिस्तान आतंकवादी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या का इस्तेमाल करने का आरोप लगाया है। ऐसे में अगर वहां नई सरकार सत्ता में आती है तो भारत से संबंध सुधर सकते हैं। अब खबरें संक्षेप में। बाबा साहेब के पोते प्रकाश आम्बेडकर का सनसनीखेज दावा, महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री रहते हुए माफिया जॉन दाऊद इब्राहिम से मिले थे शरद पवार। दिल्ली के पूर्व मंत्री और आप नेता सत्येंद्र जैन जमानत मिलने के बाद जेल से आए बाहर। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में 30 मई 2022 को किया गया था गिरफ्तार। भारत में 23 करोड़ से ज्यादा लोग घोर गरीब, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम की रिपोर्ट में बड़ा खुलासा। कोटे में कोटा लागू करने वाला पहला राज्य बना हरियाणा। सुप्रीम कोर्ट ने दिया था SC ST आरक्षण को लेकर अहम फैसला। महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री बाबा सिद्दीकी हत्या मामले में 5 और गिरफ्तार। सलमान खान से मांगी 5 करोड़ की रंगदारी। इति वेब दुनिया की खास पेशकश WD Now अगले सप्ताह की सुर्खियों के साथ फिर हाजिर होंगे। नमस्कार।